हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ के इतिहास के यानी जो हिस्ट्री है चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग यानी कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इसको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे आपको नोट्स के साथ। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले। अगर हम बात करते हैं तो प्रोटो औद्योगिकरण के एक ऐसा चरण था जब एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था जो कि कारखानों पर आधारित नहीं था। प्रोटो औद्योगिक प्रणाली यानी वाणिज्य लेन देन के नेटवर्क का हिस्सा थी। अब हम बात करते हैं कारखानों का आगमन। 1730 के दशक में इंग्लैंड में सबसे पुराने कारखाने को शुरू हो गया और नए युग का पहला प्रतीक कपास था। 18वीं शताब्दी में आविष्कारों की एक श्रृंखला ने उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण की प्रभावशीलता में वृद्धि की और रिचर्ड आर्कराइट ने सूती मिल का निर्माण किया। औद्योगिक परिवर्तन की गति। औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया कितनी तीव्र थी। ब्रिटेन में सबसे प्रगतिशील उद्योग स्पष्ट रूप में से कपास और धातु थे। नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों की आसानी से विस्थापित नहीं कर सकते थे। तकनीकी परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो गया क्योंकि नई तकनीकी महंगी थी, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और मरम्मत में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। वे उतने प्रभावी नहीं थे जितने कि उनके आविष्कारों और निर्माताओं ने दावा किया था। औद्योगिक परिवर्तन की गति। हाथ श्रम और भाप शक्ति। विक्टोरियल ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उद्योगपति ऐसे मशीन नहीं लाना चाहते थे जिसमें बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता हो। कई मौसमी उद्योग भी थे जो आमतौर पर हस्त श्रम को प्रभावित करते थे। हाथ से बने सामान को हम हस्त उद्योग भी कहते हैं या हस्त श्रम भी कहते हैं। श्रमिकों के शोधन और वर्ग जीवन का प्रतीक बन गया। बाजार में मजदूर बहुतायत में उपलब्ध थे जिसमें श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ। व्यस्त मौसम समाप्त होने के बाद श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में मजदूरों की वृद्धि हुई लेकिन वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई। अब आता है कॉलोनियल में औद्योगिकरण। भारतीय वस्त्रों का युग। मशीन उद्योगों के युग से पहले भारत में रेशम, सूती सामान और वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हावी थे। मुख्य रूप से औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से संचालित एक जीवंत समुद्री व्यापार यानी बुनकरों का क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने मौजूदा व्यापारियों और दलालों को खत्म कर दिया और करने के लिए और बुनकर पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इनके बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गोमस्त नामक एक वेतनभोगी नौकर को नियुक्त किया गया। उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया गया और उत्पादन कपड़ा गोमस्त को सौंप दिया जाना था। कई बुनकर गांवों में बुनकरों और गोमस्त के बीच में झड़पों की खबर आई क्योंकि नए गोमस्त बाहरी से थे जिनकी गांव के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं था। कंपनी से प्राप्त बुनकरों की कीमत पूरी तरह से खत्म हो गई। मैनचेस्टर में भारत आता है। जैसे कि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुए थे वैसे औद्योगिक समूहों से सरकार सूती वस्त्रों का आयात कर शुल्क लगाने का दबाव डाल दी ताकि मैनचेस्टर का सामान ब्रिटेन में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बेचा जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश उत्पादों के भारतीय बाजार में भी बेचने के लिए राजी किया और इस प्रकार भारत के कपास बुनकरों का एक ही समय में दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, मैनचेस्टर के आयात के साथ बाजार में अति भारित होने के कारण उसका निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया, मशीनों द्वारा उत्पादित कम लागत वाले सूती वस्तुओं की उपलब्धता। और दूसरा है, 19वीं सदी के अंत तक भारत में कारखानों का उत्पादन शुरू कर दिया जिससे बाजार में मशीन से बने सामानों की बाढ़ आ गई जिससे बुनकरों की समस्या पैदा हो गई। अब कारखानों की शुरुआत। 1854 में बंबई में पहले सूती मिल की स्थापना की गई। 1855 में बंगाल में पहले सूती पहली जूट मिल बनी और 1862 में चार कपास मिलें बनी। 1862 में एक और जूट मिल बना। 1860 में दशक में कानपुर में एंजिलिंग मिल शुरू की गई और 1861 में अहमदाबाद की पहली कपास मिल स्थापित की गई और 1874 में मद्रास की पहली कताई बुनाई की जाने वाली उत्पादन शुरू किया गया। प्रारंभिक उद्यमी। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर के चीन में व्यापार से अपना भाग्य बनाया।
बम्बई में दीन शाह और जमशेद जी नसर रवानजी टाटा जैसे कि पारसियों ने भारत में विशाल औद्योगिक साम्राज्यों का निर्माण किया। औपनिवेशिक सत्ता के सत्ता में आने के बाद भारतीय व्यापारियों को विनिर्माण वस्तु में यूरोप के साथ व्यापार करने में रोक दिया गया। अब हम आते हैं मजदूर कहाँ से आए। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में आसपास के जिलों से जो श्रमिक आते थे और दूसरा नए रूटों को पाने के लिए औद्योगपति आमतौर पर एक नौकर पेशा की नियुक्ति करते हैं और उससे अपने गांव के लोगों को लाया और उसने नौकरी दी और उन्हें शहर में बसने में मदद किया। औद्योगिक विकास की विशेषताएं। यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों में ने चाय और कॉफ़ी के बागानों की स्थापना की और औद्योगिक सरकार से सस्ती दरों पर भूमि का अधिग्रहण किया। 20वीं सदी से पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और इसके अलावा 1906 में चीन को भारतीय सूत के निर्यात में गिरावट आई क्योंकि चीनी और जापानी मिलों में उत्पादन में चीनी बाजार में बाढ़ आ गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध उत्पादन व्यस्त ब्रिटिश मिलों और भारत में मैनचेस्टर के आयात में गिरावट आई। युद्ध के बाद मैनचेस्टर अभी भी भारतीय बाजारों से अपनी पुरानी वस्तुओं को दोबारा हासिल नहीं कर सका। अब आता है लघु उद्योगों का दबदबा। बड़े उद्योग ने अपने अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा खंड बनाया और उसमें से अधिकांश बंगाल बॉम्बे में स्थित थे। 20वीं सदी में हस्तशिल्प उत्पादन और हस्तकरछा का वास्तविकता में विस्तार हुआ। 20वीं सदी के दूसरे दशक में बुनकरों ने फ्लाई शटल के नाम से करघे का इस्तेमाल किया। फ्लाई शटल का एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग बुनाई के कार्य में किया जाता है। फ्लाई शटल मशीन का हथकरघा उद्योग में बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है और इस मशीन की सहायता से तरह तरह के रंगों के आकर्षण पैटर्न के लिए तैयार किए जाते हैं। इस मशीन की सहायता से बड़ी तेजी से बुनाई की जा सकती है। अब हम आते हैं माल के लिए बाजार। नए उपभोक्ताओं का सृजन विज्ञापनों के माध्यम से होता है। विज्ञापन अखबारों पत्रिकाओं होर्डिंग और गली की दीवारों टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेशों का माध्यम बन गया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगला चैप्टर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।